तक। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, ये तीनों के तीनों सर्वर जब मैं ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ न्यू टैब में, तो ये couldn't be open, the service is unavailable. अभी ये अवेलेबल नहीं है सर्विस जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी तक छात्रों को जरूर दिक्कत आ रही होगी, लेकिन बहुत जल्दी से दुरुस्त कर लिया जाएगा। चलिए शीना, हम भी यही सोचते हैं कि जल्द से जल्द, जो बच्चे सुबह से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट को देखने के लिए, स्कूल में अब तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी कम से कम ये है कि बच्चे यहाँ पर तो नहीं देख सकते, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। स्कूल जाएंगे तो स्कूल में भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है जारी कर दिया गया है, कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा, अपलोड कर भी दिया गया होगा, लेकिन एक साथ कई लोगों की वजह से जो साइट है पूरी, रिजल्ट जहां पर अपलोड किया गया है वो क्रैश बताया जा रहा है। कुछ देर में जरूर यहां पर जब ट्रैफिक कम होगा तो बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और इस वक्त अब जब बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं तो नितिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं और अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। नितिका, हमने सुबह देखा जब बच्चों से बातचीत हो रही थी तो एक मिक्स फीलिंग थी बच्चों के बीच में, डर भी था लेकिन अपने रिजल्ट को जानने की इच्छा भी थी। अब जब रिजल्ट जारी हो गया है, बच्चे किस तरह से अपने रिजल्ट को देख रहे हैं, क्या थोड़ी सी मायूसी है, खुशी है, किस तरह से यहाँ पर भी मिक्स्ड फीलिंग दिखाई दे रही है बच्चों के बीच में? देखिए, क्योंकि अब रिजल्ट जारी हो गया है लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजल्ट चेक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जैसा आपने पहले बताया कि वेबसाइट पर ट्रैफिक काफी ज्यादा है, उस वजह से रिजल्ट्स अभी खुल नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, बच्चों के दिलों की धड़कने तो सुबह से ही बड़ी हुई है और अब और ज्यादा बढ़ गई है। रिजल्ट चेक कर लिया क्या? अभी नहीं किया है, साइट नहीं खुल रही है। अच्छा, डर लग रहा है अभी भी? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है? मैम ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा उसकी उम्मीद है। क्या सोचा है कितना परसेंटेज तक आ जाएगा? अबाविटी। वेबसाइट नहीं खुल रही है? नो मैम, ट्राई किया? यस मैम, ट्राई किया। अभी यहाँ पर भी देखिए कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं। वेबसाइट खुल गई है क्या? जी मैम खुल गई है। चेक किया अभी किसी का रिजल्ट? कुछ बच्चे जैसे ही अपना रिजल्ट देख ले, हम तुरंत आपके पास आते हैं, क्योंकि अमित भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे अभी बड़ी जद्दोजहद में हैं। साइट जो है वो क्रैश कर गई है, सभी कोई अपना रिजल्ट एक टाइम पे ही देखना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा विलंब जरूर हो रहा है। अमित, वहां पर क्या बच्चों ने अपने रिजल्ट देख लिए या वहां पर भी साइट से जूझना पड़ रहा है, क्रैश हो गया है साइट, खुल नहीं रहा है साइट, किसी तरह की जानकारी नहीं मिल रही है, बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे हैं? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से देख सकते हैं बच्चे किस तरह एक इंस्टीट्यूट में अपने सिस्टम पर बार बार चेक कर रहे हैं, ग्रुप्स में कुछ मोबाइल्स में चेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे देखिए यहाँ चेक कर रहे हैं। आपका रिजल्ट आ गया बेटा? अभी देखना है, अभी जस्ट देखना है। कितना है? 93%। आपको न्यूज 18 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, पहले इसके लिए ताली बजा दीजिए सब आप लोग, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आपका रिजल्ट अभी नहीं आया? अभी नहीं आया। कितना? 86। आपका मैम? अभी नहीं, अभी नहीं आया। देखिए अभी बच्चे पर, आपका मैम आ गया, चलिए इनसे पूछते हैं, आपका रिजल्ट आ गया? अभी नहीं आया। देखिए लोग इस टाइम अभी क्यूरियस हैं रिजल्ट जानने के लिए। मैम आपका रिजल्ट आ गया, कितना परसेंट है? 90%। आपको शुभकामनाएं, आपके फ्रेंड्स ताली बजाएं पहले इसके लिए। मैम क्या कैसा लग रहा था, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या था? इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। फिजिक्स में थोड़ी सी मार्किंग अच्छी नहीं हुई है, फिजिक्स में मार्किंग अच्छी नहीं हुई है। यस सर। किस क्लास का आपका रिजल्ट है मैम? 12th का। चलिए न्यूज 18 की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे, देखिए अंदर बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका आगे रिजल्ट मैम कितना? 80%। आपको शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं कि देखिए पूरे सिस्टम पर पूरी टीम लगी है, इनके जितने भी सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं क्यूरियस हैं, क्योंकि वेबसाइट जो इनकी है उसमें सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार देखिए। हाई स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान पे रहे हैं ये शुभम वर्मा, सीता बाल विद्या मंदिर महमूदाबाद सीतापुर, ये प्रथम स्थान पे रहे हैं। दूसरे स्थान पे विशु चौधरी, प्रथम स्थान पर शुभम वर्मा, सीतापुर जनपद के हैं, सीतापुर बाल विद्या मंदिर। दूसरे जो हैं वो सेकंड स्थान पर बागपत के हैं, विष्णु चौधरी, श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत के। दूसरे स्थान पर भी और हैं जो समान अंक प्राप्त किए हैं अमरोहा के, वो हैं काजल सिंह, ये सेकंड पे ही हैं। RSD
इंटर कॉलेज सलेमपुर अमरोहा। तो देखिए हम आपको बता भी रहे, दसवीं में शुभम जो कि सीतापुर के हैं वो टॉप रहे हैं, और अगर पासिंग परसेंटेज की बात की जाए तो लड़कियों का परसेंटेज लड़कों से ज्यादा है पासिंग परसेंटेज। इसके अलावा अगर टॉप की बात की जाए तो यहां पर इस बार लड़कों ने जरूर बाजी मार ली है। तो यूपी के दसवीं और बारहवीं के जो रिजल्ट हैं वो अब जारी हो चुके हैं और इस वक्त सेलिब्रेशन का टाइम है। शीनम के पास एक बार फिर से चलते हैं। शीनम, क्या अभी भी वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड हो पा रहा है या फिर नहीं, अभी भी क्रैश है, साइट खुल नहीं रही है वहां पर? शीनम आवाज आ रही है आपको? लगता है शीनम तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। नितिका भी हमारे साथ है। नितिका ये बताइए, बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया है? स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनका रिजल्ट अब खुल चुका है, वो अपना रिजल्ट चेक भी कर चुके हैं। किस किसका रिजल्ट यहाँ पर देखा गया? कैसा रहा? अच्छा है, मतलब ठीक है। क्या रहा? अच्छा है। एक्सपेक्टेशन से अच्छा है? नहीं, उससे अच्छा तो नहीं है। उससे अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। आपने अभी देखा कि नहीं देखा? नहीं, मेरा भी नहीं, अभी नहीं कोई बात। पीछे किसी ने देखा अभी अपना रिजल्ट? नहीं देखा अभी भी। देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रयास ही कर रहे हैं क्योंकि वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ट्राई करें। रिजल्ट देख लिया किसी ने? कैसा रहा? अच्छा रहा है, वैसे 93 आए हैं। 93%? यस मैम। बहुत बढ़िया। यही उम्मीद थी? यस मैम, उम्मीद थी मैम, बहुत ज्यादा मैम, मैं खुश हूँ। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक दीक्षित है। कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लगा, आग में आंसू दिख रहे हैं। हाँ, रिजल्ट अच्छा आया, बहुत उम्मीद से अच्छा आया। कल रात में भी रोना आया था। खुश होंगे आज, उनके माँ बाप भी खुश होंगे, सेलिब्रेशन का टाइम होगा। लेकिन हम आप सभी के पास हम आते रहेंगे, लेकिन इस वक्त प्रयागराज सीधे चलते हैं। सर्वेश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। कौन टॉप रहा है, कितना परसेंटेज वहां पर दसवीं और बारहवीं का रहा है? सर्वेश, पूरी जानकारी जरा हमारे दर्शकों को दीजिए क्योंकि अभी भी साइट खुल नहीं रही है, बच्चे थोड़े से परेशान जरूर है। देखिए निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है और कई रिकॉर्ड बने इस बार। 12 दिन में ये परीक्षाएं आयोजित हुई थी, 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच, और ये 16 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच इसका मूल्यांकन कराया गया था। और रिकॉर्ड 19 दिनों में पहली बार ये रिजल्ट घोषित किया गया था कि किया गया है। पिछली बार ये 24 दिनों में घोषित किया गया था, 25 अप्रैल को, और इस बार जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें हाईस्कूल का अगर रिजल्ट का प्रतिशत कहें तो 89.55% जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 82.6% जो है वो छात्राएं उत्तीर्ण घोषित किए गए। सबसे बड़ी बात है कि 55 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें पंजीकृत थे, 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी नकल को लेकर जिस तरह सख्ती की गई थी, यानी कि 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का रिजल्ट आज घोषित किया गया है। और ये यूपी बोर्ड के मुख्यालय में, यहां पर यूपी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र देव और यूपी बोर्ड के सचिव यहां पर दीपिकांत शुक्ल ने इसे जारी किया है, और जारी करने के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है। कई इसमें अलग अलग चीजें हैं, जेल से जो जिन बंदियों ने परीक्षाएं दी थी उनके बारे में जानकारी दी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिजल्ट को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह था। आपके पास बिल्कुल सर्वेश आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त ये खबर मिल रही है कि अब धीरे धीरे जो वेबसाइट है जिस पर रिजल्ट अपलोड किया गया है वो वेबसाइट खुलनी शुरू हो गई है। शीनम हमारे साथ जुड़ी हुई है। शीनम, जरा बच्चों को बताइए कि क्या अब वेबसाइट खुलनी शुरू हो गई है, बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं आसानी से? बिल्कुल नीलू, अच्छी खबर यही है कि छात्रों के लिए